अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सी लैंग्वेज का या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि हमारे डाटा स्ट्रक्चर की बुक में है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? याद रहे, रेफरेंस वेरिएबल का स्कोप या रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ सी प्लस प्लस में होता है, सी लैंग्वेज में ये इसका स्कोप नहीं है, ये टर्म यूज़ नहीं होता। सो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? रेफरेंस वेरिएबल, अगर मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊँ, ये किसी वेरिएबल का एक नेम ही होता है, ठीक है, जो उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अब मैं चलता हूँ इसकी डेफिनेशन की तरफ। व्हेन अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड एज रेफरेंस, इट बिकम्स एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल। कहता है कोई भी वेरिएबल हम उसे डिक्लेयर करें, ठीक है, डिक्लेयर करें, नॉर्मल वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करें एज अ रेफरेंस, ठीक है, तो वही अल्टरनेटिव नेम बन जाएगा ओरिजिनल वेरिएबल का, नॉर्मल वेरिएबल का। अब मैं इसको एग्जांपल की मैं समझाता हूँ आपको। ये इंट एक्स, इंटीजर डाटा टाइप है, एक्स वेरिएबल की नॉर्मल वेरिएबल है। कहता अगर हमने इसको एज अ रेफरेंस वेरिएबल के तौर पर यूज़ करना है, मतलब इसका एक और अल्टरनेटिव नेम रखना है इस एक्स वेरिएबल का, सो इंटीजर एंड ऑपरेटर रेफरेंस इक्वल टू एक्स, ठीक है। जो आर है कि एड्रेस स्टोर करेगा एक्स का, मतलब आर, सपोज हमने एक्स को वैल्यू दी है 10, सो आर की वैल्यू भी 10 है। अगर हम मेमोरी में देखते हैं, मेमोरी का आप लोगों को पता है, ठीक है, मेमोरी में अगर 10 स्टोर है किसी भी प्लेस पे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, सो अगर एक्स पॉइंट कर रहा है 10 को, देखें यहाँ पे एक्स को इनिशियलाइज किया 10 से, सो आर भी पॉइंट करेगा 10 को, क्योंकि आर एड्रेस स्टोर कर रहा है एक्स का, ठीक है, आर एक टेम्प्रेरी नेम है एक्स का। अब एक और एग्जांपल लिया मैंने, इंटीजर के नॉर्मल वेरिएबल है उसको हमने बराबर रख दिया एक्स के। देखिए अगर हम के को वैल्यू दे रहे हैं 10, सो एक्स की वैल्यू भी 10 हो जाएगी, एक्स की भी 10 है क्योंकि एक बार रखा। इन केस अगर हमने के की वैल्यू चेंज कर दिया, 11 कर दिया, 10 की जगह 11 कर दी, लेकिन एक्स की वैल्यू 10 ही रहेगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। के चेंज हो गया 10 से 11, लेकिन एक्स की जो के को हमने स्टार्टिंग वैल्यू दी है वही एक्स की वैल्यू रहेगी। अब प्रोग्राम की मैं समझते हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर होंगे। याद रखिए प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये बहुत इजी सा है, इसे आपका सारा कॉन्सेप्ट। मेन फंक्शन पे आते हैं, जस्ट इंटीजर वेरिएबल एक्स है नॉर्मल वेरिएबल, उसको 10 से हमने इनिशियलाइज किया, ठीक है, और हमने एक रेफरेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर किया जो कि एड्रेस स्टोर कर रहा है एक्स का। कहता हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं एक्स की वैल्यू, फिर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं आर की वैल्यू। मैंने बताया जब आर एड्रेस स्टोर कर रहा है एक्स का, तो आर की जो वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो आर की, यहाँ पे एक्स भी 10 आ जाएगा, आर भी 10 आ जाएगा। अब इन केस अगर हम यहीं पे ही स्टेटमेंट, अगर एक्स की वैल्यू को मज़ीद चेंज करना चाह रहे हैं, सो हम एक्स की वैल्यू कर देंगे 1000, यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं, मैंने अलग से बना दिया दोबारा। सबसे पहले 100 प्रिंट होगा आर और एक्स के लिए, उसके बाद एक्स की वैल्यू अगर हम बढ़ाना चाहते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर, सो एक्स को इनिशियलाइज कर दिया 1000 से, फिर आर और एक्स की वैल्यू भी 1000 प्रिंट होंगे। सिंपल सा टेक्निक है। अब डिस्कस करता हूँ मैं कि अगर हमने इंटीजर वेरिएबल एक्स लिया 10 के बराबर और कॉमा वाई भी लिया है 20, सो आर एड्रेस स्टोर करेगा एक्स का, ठीक है, आर एड्रेस स्टोर करेगा एक्स का। इन केस अगर हम यहाँ पे आर को इक्वल ले रहे हैं वाई के, आर को इक्वल ले रहे हैं वाई के, जो के पॉसिबल ही नहीं है, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। और अगर मैं इंटीजर वेरिएबल एक्स ले रहा हूँ 10 के बराबर और इंटीजर वेरिएबल एड आर एड्रेस स्टोर कर रहा है एक्स का, आर को इक्वल रख सकते हैं एक्स के? जी, आर को इक्वल एक्स के नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि एक्स को हम वैल्यूज़ दे रहे हैं, आर उसकी वही वैल्यूज़ को पिक कर रहा है, ठीक है, आर इज़ नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब कांस्टेंट कीवर्ड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब एक फंक्शन बनाया ऐड का, दो इंटीजर लिए, इंटीजर वेरिएबल लिए एक्स और वाई के हिसाब से। देखिए, ये नॉर्मल एग्रीमेंट है, एक्स को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 से, हम एक्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर रहे हैं 10 से। ऐसा प्रोसीजर, ऐसा कांस्टेंट कीवर्ड हम यूज़ करते हैं जिससे हम ये एक्स की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे एक्स को एक्स प्लस 1 10, ये इनिशियलाइज कर दिया, इसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट नहीं, इंक्रीमेंट किया 10 का, 10 का इजाफा किया। अब देखें, एक मैंने ऐड का फंक्शन बनाया, उसमें कांस्टेंट इंटीजर एक्स रखा है। देखें, ये प्रोसेस नहीं होगा, एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करेगा,
हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, वाई की कोई वैल्यू हमारे पास है उसके अंदर एक्स को ऐड कर सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू में इनिशियलाइज नहीं कर सकते, एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ किया हमने, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ हम कॉल बाय वैल्यू के तौर पर कर सकते हैं, इस तरह कॉल बाय रेफरेंस के तौर पर, और पॉइंटर के इस्तेमाल में भी इस तरह इसका यूज़ होगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट कीवर्ड जब भी यूज़ हो जाएगा तो आर्गुमेंट एक्स है उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि पाई है, अगर पाई कॉन्स्टेंट यहाँ पाई के साथ हम यूज़ कर लें। अब ए वी एल ट्री क्या होता है, इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो आपको इसको अच्छे से समझना। कहता है एक बैलेंस सर्च ट्री है, देखिए बैलेंस सर्च ट्री कैसे आगे पता चलेगा, ये एक पर्सन के नाम पे, उसका नाम है एडिलसन वेल्सकी लैंडिस। ठीक है, ए से एडिलसन वेल्सकी, वी से ठीक है लैंडिस, एल से ठीक है ए वी एल ट्री। अब ए वी एल ट्री चेक करता है जो हाइट है लेफ्ट सब ट्री की और राइट सब ट्री की, उनके दरमियान डिफरेंस एक से ज़्यादा ना हो, मतलब डिफरेंस कितना हो, जीरो हो या एक हो। ठीक है, और बैलेंस फैक्टर एक फार्मूला है, डिफरेंस होता है बैलेंस फैक्टर, मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री को हम जब राइट सब ट्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बैलेंस फैक्टर आ जाएगा। अब मैं ए वी एल ट्री की एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ, ये मल्टीपल टॉपिक्स मैंने कवर किए, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सो डैट आई कैन प्रोड्यूस मोर वीडियोस, मोर इजी मेथड्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। देखिए ए वी एल ट्री की एग्जांपल है, हमें लेवल्स का पता है, लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू। हाइट कितनी है इस ट्री की, लेफ्ट सब ट्री की हाइट टू, राइट सब ट्री की हाइट टू। हमने कहा था बैलेंस फैक्टर में राइट सब ट्री को लेफ्ट सब ट्री से, लेफ्ट सब ट्री को राइट सब ट्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो कर दिया हमने, हाइट्स को दोनों जीरो आ गया, बैलेंस फैक्टर जीरो आ गया। हमने कहा था बैलेंस फैक्टर की वैल्यू जीरो हो या डिफरेंस जो होगा जीरो या वन होगा, जीरो आ गया। और अब हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि एक नॉन ए वी एल ट्री को ए वी एल ट्री में कैसे कन्वर्ट करता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा रिकर्सिव कॉल्स क्या होती है, ए वी एल ट्री में इंसर्टेशन क्या होती है, डिलीटेशन क्या होती है, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, और नॉन ए वी एल ट्री को ए वी एल ट्री में कैसे डिस्कस करेंगे। टुडे हमने ये डिस्कस किया रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जो वेरिएबल का नॉन वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। कॉन्स्टेंट कीवर्ड क्या होता है, जिससे हम किस कॉन्स्टेंट कीवर्ड को जिस वेरिएबल के साथ यूज़ करते हैं, फिर उसकी वैल्यूज़ को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, जैसे कि पाई। उसके बाद मैंने ए वी एल ट्री डिस्कस किया, ए वी एल ट्री क्या होता है, बैलेंस फैक्टर डिस्कस किया, लेफ्ट सब ट्री में से राइट सब ट्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जस्ट आज इतना ही करना है आप लोगों ने, ये मैंने तीन लेक्चर्स कवर कर दिए हैं, 16, 17, 18। मैंने लेक्चर की नंबरिंग एक दो मेरे से आगे पीछे हुई हुई है, लेकिन हैंड आउट्स में आप लोग देख लीजिएगा, वही सारा सेम टू सेम एज इट इज़ है। लेक्चर नंबर 16, 17, 18 अकॉर्डिंग टू जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दो लेक्चर का गैप पड़ा है पीछे, वो मैंने शायद 14 को 15 कर दिया था ऐसे कुछ था। सो ये सारा हैंड आउट्स वाला ही है। सो तीन लेक्चर्स मैंने इसमें कवर कर दिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 to 4 लेक्चर्स रह गए हमारे, या 3 to 4 टॉपिक्स रह गए हैं, उसके बाद हमारी स्टार्ट से मैं रिविजन स्टार्ट कर दूँगा CS 301 की। सो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।